अगर बाबा साहब आंबेडकर न होते तो नरेंद्र मोदी कहां होते। जिस पार्श्वभूमि में मेरा जन्म हुआ, जिस अवस्था में मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा, अगर बाबा साहब आंबेडकर न होते तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। बाबा साहब के भीतर वो परमात्मा का रूप था जिसने संविधान की एक धारा में भी खुद के जीवन पर जो बीती थी वो यातनाएं कटुता में परिवर्तित नहीं होने दी। बाबा साहब आंबेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संकल्प का दूसरा नाम थे। बाबा साहब आंबेडकर जीवन जीते नहीं थे, वो जीवन को संघर्ष में जोड़ देते थे, जोत देते थे। बाबा साहब आंबेडकर अपने मान सम्मान मर्यादाओं के लिए नहीं, लेकिन समाज की बुराइयों के खिलाफ जंग खेल करके आखिरी छोर पर बैठा हुआ दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनको बराबरी मिले, उनको सम्मान मिले, इसके लिए अपमानित होकर के भी अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए थे। भीमराव आंबेडकर के जीवन का मंत्र यही था, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। बाबा साहब आंबेडकर जैसे एक प्रकार कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। साथ साथ उनका सपना यह भी था कि भारत आर्थिक रूप से समृद्ध हो, सामाजिक रूप से एम्पावर्ड हो और टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड हो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।